नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी फिजिस्ट पर। आपको बताना चाहूँगा सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। सर, प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो इसका सही आंसर है हार्वे ने किया। किसने किया? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन दोबारा से आ गया। इसके ऑप्शन चेंज होकर आए हैं, लेकिन इस बार है इसका सही आंसर दिल की धड़कन से। ठीक है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का काम है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक का मतलब है कि गति, इसका मतलब हृदय। आंसर सही है। निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनियों पर डाला जाता है रक्त का दबाव, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में पंप किया हुआ यानी हृदय के द्वारा पंप किया गया शुद्ध रक्त बहता है। अगला, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। क्या होता है? घटता है। रुधिर दाब मापक यंत्र है सिफ्मोमोनोमीटर। अगला, जार्विक सेवन है कृत्रिम हृदय। क्या है ये? कृत्रिम हृदय, यानी कि बनाया गया हृदय। लवडव आवाज़ किस अंग की गति से आती है या किस अंग से है? तो ये हृदय से संबंधित है। अगला, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।